हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 28 आयत में लिखा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा यह दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब अपने जीवन में फलदार बनो। अगर आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में फलदार नहीं है तो उसमें गलती परमेश्वर की नहीं बल्कि उस विश्वासी की है। याद रखें, आप तब ही फलदार बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, फिर आप फलदार होते हैं। बाइबल में जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, अगर आप मेरी सब आज्ञाओं को और वचनों को सुनें और उन पर चलें तो फिर मैं तुम्हें सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, मतलब आप फलदार होंगे। बाइबल में हम जितने भी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनके जीवन फलदार थे, वह परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले थे। वह अपने जीवन में फलदार इसलिए थे क्योंकि वह परमेश्वर के वचन पर चलने वाले थे। बाइबल में जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि उसका जीवन फलदार था, उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और सब जीता, और वह अपनी हर चीज में फलदार था क्योंकि वह राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर की हजूरी में 7 बार जाता था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग अपने जीवन में फलदार होना तो चाहते हैं, गवाही तो चाहते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों को नहीं मानते। दूसरे लोगों के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वह अपने जीवन में फलदार नहीं होते और अपनी गवाही को नहीं पाते। फिर वह लोग परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं दी, मुझे फलदार क्यों नहीं किया। परमेश्वर ने आपको कहा है कि फलदार बने, तो अब फलदार बनने के लिए आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है, फिर ही आप फलदार होते हैं और अपनी गवाही को ले पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार बने और आपके जीवन में भी गवाही बने, तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उन पर चलें, रोज प्रार्थना में बढ़ें और अपने पाप वाले जीवन को छोड़ें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वे अपने पाप वाले जीवन को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और अपने जीवन में फलदार बने और अपनी गवाही के साथ खड़े हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।